एक ओर जहां लगातार बढ़ रही डीजल और पेट्रोल की कीमतों ने लोगों को परेशान कर रखा है, वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक प्रोफेसर ने ऐसा कमाल कर दिया है जो आज तक दुनिया का कोई वैज्ञानिक नहीं कर पाया। जी हाँ, राजधानी लखनऊ के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के तकनीकी महानिदेशक प्रोफेसर भरत राज सिंह ने करीब 10 साल पहले एक ऐसे इंजन का आविष्कार किया था जो हवा से चलता है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये इंजन हवा से चलता है। भारत सरकार ने इस इंजन को इसी साल जुलाई महीने में पेटेंट का प्रमाण पत्र जारी किया है। इसके बाद इस इंजन के जरिए हवा से बाइक व अन्य गाड़ियां चलने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस इंजन को बनाने का आइडिया हवा में उड़ते हुए हनुमान जी को देखकर आया था। उस कहानी के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी जानते हैं इस खास एयरो बाइक से जुड़ी बेहद जरूरी बातें। ये इंजन फिरकी के सिद्धांत पर काम करता है और हवा के दबाव पर चलता है। इस इंजन से आवाज या धुआं नहीं निकलता है, जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। एक बार 5 रुपए की हवा भराने से करीब 45 किलोमीटर की राइड ली जा सकती है। इसकी स्पीड भी 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। यानी अगर आसान शब्दों में समझें तो 12.5 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्चा इस एयरो बाइक से यात्रा करने में आपको आएगा। और अगर और भी आसान तरीके से समझें तो सिर्फ 62 से 65 रुपए में 2 आदमी लखनऊ से दिल्ली तक का सफर पूरा कर सकते हैं। पेट्रोल वाली बाइक की जगह एयर बाइक से चलने पर करीब 16.5 गुना तक बचत होगी। इसी कॉन्सेप्ट पर 4 पहिया गाड़ियों के लिए भी इंजन बनाया जा सकता है। प्रोफेसर भरत के दिमाग में इस इंजन को बनाने का जो आइडिया आया, उसकी कहानी भी बेहद रोचक है। भरत बताते हैं कि मैं बचपन से पढ़ रहा था कि हनुमान जी के पास हवा में उड़ने की शक्ति थी। हालांकि उनके पास गदा का होना मुझे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई यंत्र लगता था, जिसमें हवा के दबाव पर ही उड़ने का स्रोत छिपा हुआ लगता था। इसी आधार पर मैंने एक यंत्र का इस्तेमाल करके हवा को ईंधन के रूप में बनाने के बारे में सोचा। प्रोफेसर भरत का दावा है कि अगर इसका विश्वव्यापी उपयोग किया जाए तो दुनिया में वाहनों से हो रहे प्रदूषण को 80 से 85% तक और ग्लोबल टेम्परेचर में हो रही वृद्धि में कमी लाने में मदद मिलेगी। प्रोफेसर के मुताबिक उन्होंने किसी भारतीय कंपनी के साथ अनुबंध कर एयरो बाइक को 2-3 सालों में मार्केट में लाने की योजना बनाई है। प्रोफेसर भरत बजाज, होंडा, टाटा और महिंद्रा एंड महिंद्रा से स्थानीय लेवल पर कांटेक्ट करने की कोशिश में लगे हैं। तो इंतजार करिए, एयरो बाइक और आत्मनिर्भर कर्मवीर प्रोफेसर भरत को कहिए शुक्रिया। कर्म से जो अपनी किस्मत लिखते हैं, भीड़ में वो कुछ अलग दिखते हैं, उनकी लगन लोगों का यकीन है, यह आत्मनिर्भर भारत है। यहां मेहनत से चमकती जमीन है। आत्मनिर्भर कर्मवीरों की कहानी।